सुखाड़ का डर सता रहा है, बारिश नहीं हो रही। इसके बावजूद अन्नदाताओं ने पंपिंग सेट से सिंचाई कर धान के बिचड़े तैयार कर लिए, जैसे तैसे रोपने की तैयारी में है। इसके लिए उर्वरकों की जरूरत है, लेकिन कालाबाजारियों ने खाद को गधे के सिर से सींग की भांति गायब कर दिया। नतीजा, किसानों में हाहाकार मचा है। ऐसे में कम रेट पर खाद पाने के लिए किसानों की नजर सहकारी संस्थाओं के उर्वरक बिक्री केंद्रों की ओर जाती है, पर यहां भी खाद के लिए मारामारी है, लाइन लंबी है। आसमान आग उगल रहा है, किसान गमछे से पसीना पोंछते हुए खाद के लिए लाइन में लगे हैं। औरंगाबाद में बिस्कुमान के उर्वरक बिक्री केंद्र पर खाद लेने के लिए लाइन में लगे किसानों ने कहा कि प्राइवेट उर्वरक रिटेलर निर्धारित कीमत से ज्यादा रेट पर खाद दे रहे हैं। पहले सुबह से ही किसान खाद लेने के लिए लंबी लाइन में दिखे। बारिश नहीं होने से उमस भरी गर्मी में घंटों लाइन में लगने पर खाद मिल रहा है, पर यहाँ भी आवंटन का अभाव है। इस कारण यहाँ से भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में उर्वरक नहीं मिल रहा। दोष सिस्टम का है, क्योंकि आधार कार्ड से खेती नहीं करने वाले लोग खाद प्राप्त कर दूसरे किसानों को बेच रहे हैं। इस वजह से किसानों में खाद लेने की होड़ मची है। किसान प्राइवेट रिटेलर के यहाँ जाते हैं तो वो ज्यादा कीमत पर खाद देते हैं। इसकी शिकायत करने पर कृषि विभाग के अधिकारी कहते हैं कि ज्यादा कीमत पर खाद लेने की रसीद दीजिए, जो ब्लैक में बेचेगा वो रसीद नहीं देगा। खाद की कालाबाजारी में प्रशासन की मिलीभगत के भी आरोप लग रहे हैं। वहीं इस मामले में जिला कृषि पदाधिकारी का जवाब अटपटा है। वहीं रिटेलर भी थोक विक्रेता से उधार में खाद लेते हैं। उधारी में उन्हें भी महंगी दरों पर खाद मिलता है, इस कारण वो भी महंगे दर पर खाद बेच रहे हैं। इसके बावजूद जो भी किसान नकद में रिटेलर से खाद खरीद रहे हैं, वो पॉस मशीन में बताई जा रही कीमत से ज्यादा ना दें और ज्यादा कीमत मांगे जाने पर इसकी शिकायत करें। मतलब साफ है कि उधारी का चादर ओढ़कर DAO रिटेलरों की कालाबाजारी को जायज भी ठहरा रहे हैं और उन्हें पाक साफ भी बता रहे हैं। रिटेल प्राइस में यहाँ मिलता है और वहाँ जो है ब्लैक कर रहा है, मनमानी दाम लेते हैं, किसी से 450 किसी से 500 रुपया। जी जी जी। इसलिए सर वहाँ भीड़ नहीं है, यहाँ रिटेल प्राइस में बेच देते हैं, इसलिए यहाँ भीड़ है सर। जी जी। तो आखिर क्या आप शिकायत कहीं किए या नहीं किए? शिकायत कहाँ करेंगे सर, लाइन में लगे कि शिकायत करें? नहीं, कभी जिला कभी बताइए कृषि पदाधिकारी से बात। कृषि पदाधिकारी से 23 तारीख का मीटिंग था सर, उसमें हम बोले हैं कि सर खाद ब्लैक हो रहा है, तो कहें कि उसको रसीद कटवा के लाइए, तब हम उस पर क्लेम करेंगे। तो सर जो ब्लैक देगा वो रसीद देगा ना। तो दूसरी चीज हमारा ये शिकायत है कि सर आधार कार्ड को बंद करें, रसीद पर किसान को खाद दें, इसमें किसान को भलाई होगा, ये भीड़ लगने नहीं करेगा। और खाद के लिए दिक्कत का कैसा वहाँ पता नहीं जिला प्रशासन का कि मेरा रेक कितना पॉइंट पर आ रहा है, कितना बड़ा पर रेक लग रहा है, कहाँ रेक लग रहा है, कितना किलो ट्रेडर को दे रहा है, किसका नहीं दे रहा हूँ, सब उसका पता है। दुकानदार को फैशन में कितना खाद जा रहा है, औरंगाबाद में कितना धान दे रखा है, किसको पास कितना जा रहा है, वो सब जान रहा है। लेकिन क्या है, यहाँ किसानों का मूर्ख बना रहा है, 500 रुपया बोरा खाद ले रहा है। मैं 20 बीघा का किसान हूँ, लेकिन आज तक घर में एक बोरा खाद नहीं। अब कौची कहते थी हमने के 500 का दे तो गरीब हम दिखे अखिया तबे ना पैसा रहती तबे ना वैसे लेता है सरकार। अब यहाँ कैसे बिकी थी? यहाँ तो 250 का बिकी थी। कहाँ घर है? देवरिया। तो कहाँ हाथी बेचे 500 के? देवरिया भी कही यार, कौन बेचे? देवरिया भी की थी 490 के, फेसर भी की थी 500 के। और जगह पातल औरंगाबाद मिलते ना खाई बेला मिलते ना कर ले यूरिया। स्थानीय विक्रेता है वो तो लेता है तो क्रेडिट पे भी देता है। किसान जो है कि ऐसी स्थिति है कि आज की पोजीशन में किसान के पास जो है पूंजी का अभाव भी, रोपनी भी करना है, उधर मार है, मतलब प्राकृतिक मार है कि डीजल से पंप से कैसे कैसे कर रहे हैं हम लोग, और आप लोग देख रहे हैं कि किस स्थिति से जूझ रहे हैं। तो वो निश्चित रूप से जो है उधारी भी जो है विक्रेताओं से लेने का पक्ष, क्योंकि उधारी में पड़ोस के हैं, अगल बगल के हैं, और ये सरकारी संस्थाएँ हैं, इसलिए सरकारी संस्था में तो क्रेडिट देगा नहीं जाए। ये हमारा कोऑपरेटिव विभाग का जो है फर्टिलाइज़र है, इसको जो है कोऑपरेटिव सहकारिता से ही मिल सकता है। प्राइवेट में हमारे निजी विक्रेताओं का है, तो निजी विक्रेता भी जो है अपने थोक विक्रेताओं कंपनियों से जो है खाद खरीदते हैं, उसके बाद जो है सो हमारे किसान भाई
मतलब दुकानदार से जो उधारी का महंगा रेट में दे रहा है, उधारी नहीं उधारी देते हैं तो महंगा तो पोस्ट से दिया नहीं जा सकता है, चूँकि संबंधित जो है फर्टिलाइजर वो पोस्ट की एंट्री है। आप इसको एकदम निर्धारित देख लीजिए कि पोस्ट में संबंधित का आधार लिंक्ड होगा तभी उनको फर्टिलाइजर दिया जाएगा। सर अब किसान को जो है ये सोचना है, जब बोरे पे भी लिखा हुआ है 266 भी जो है सो निर्धारित है, पूरे रूप से प्रचार प्रसारित है, तो हम समझते हैं किसानों को इस बारे में जो है विरोध भी करना चाहिए और हम लोगों को जो है सूचना भी देना चाहिए। हम लोग ऐसे आदमी को जो है निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। खाद का तो परेशानी है, ये मैंने डीएम साहब से मौखिक कहा कि खाद के लिए जो बिचौलियां हैं जिनको लाइसेंस दिया गया है वो खाद को उठा करके बिचौलिया के माध्यम से कालाबाजारी कर रहे हैं, इस पे उनको सख्ती से कार्रवाई करने के लिए हमने मांग रखा है। व्यापार मंडल और पैक्स के द्वारा खाद है जो आ रहा है वो किसानों तक पहुंच रहा है, लेकिन सभी किसान उससे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। हमने उनसे मांग रखा है कि जिला में जितने लाइसेंसधारी हैं खाद का, वो उन पे शिकंजा कसा जाए, वो बिचौलिया के माध्यम से मार्केट में खाद को बेच रहे हैं और ज़्यादा रेट पे खाद का कालाबाजारी हो रहा है। इस पे रोकने के लिए उनसे हमने आग्रह किया है, और यदि हमारे आग्रह को नहीं मानेंगे और नहीं रोकते हैं तो संवैधानिक तरीके से हमारे पास जो अधिकार है हमारा धरना देने का या फिर रोड जाम या किसी जो भी संवैधानिक हमारा राजनीतिक में अधिकार है उसके तहत हम मंगवाएंगे, और निश्चित रूप से किसानों की लड़ाई को हम लड़े हैं। हम किसान के बेटा हैं और हम किसानी करते भी हैं, हम किसानों के समस्या को बहुत नज़दीक से जानते हैं कि किसान आज कितना परेशान है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।